पहले आज शुरू करेंगे सांत्वन। जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू, लिमिट आपने पढ़ी होगी, जिसे हम कहते थे सीमा, जिसको इंग्लिश में कहते थे हम लिमिट। एक्स बराबर ए पर एफ एक्स की सीमा, इसको लिखते थे ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। और फिर क्या करते थे, ये जो एक्स का मान ए की तरफ जा रहा है इसे इसमें रख देते थे और सीमा निकल कर आ जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि ये मान इन्फिनिटी आता था, इन्फाइनाइट आता था, यानी किसी योग्य नहीं होता था जिसको हम परिभाषित कर सके। उस स्थिति में हम किसी भी फलन की एक्स बराबर ए पर सीमा ज्ञात करने के लिए एल एच एल और आर एच एल का प्रयोग करते हैं। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल राइट हैंड। तो एल एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, इसका अर्थ है एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स की बाएं पक्ष की सीमा। इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस बाएं पक्ष, सीधे सीधे एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखा तो लिमिट, और अगर ए माइनस है ठीक है, यानी ए से थोड़ा सा पहले, तो इसे कहेंगे हम बाएं पक्ष की सीमा। इसका मान किस तरह से हम निकालते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स को हमने आपको बताया था कि आप इसे लिख सकते हो एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस, अगर कुछ ज्यादा इसको थोड़ा ग्राफ से समझ सकते हो आप। मान लीजिए कोई वक्र है, ये आपके पास x बराबर a है और आप जानते हो कोई भी बिंदु x कॉमा y होता है और y बराबर हम एफ एक्स लेते हैं, यानी कोई भी बिंदु हमारे पास बना वो x कॉमा एफ एक्स बना। अगर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये x बराबर a है तो ये एफ ए हो, और इस बिंदु के निर्देशांक जो आएंगे वो a कॉमा एफ ए आएंगे ठीक है। अब मैं x बराबर a पर इसका मान ज्ञात करने की जगह अगर मैं इसकी लिमिट निकालना चाहता हूँ तो लिमिट होगी अगर मैं x से पहले एक बिंदु a माइनस एच ले लूं और एक x के बाद a प्लस एच ले, तो इसके संगत जो फलन है उसका मान f a माइनस एच आएगा और इसके संगत जो फलन का मान आएगा वो f a प्लस एच आएगा। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच, और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a माइनस एच कॉमा एफ ए माइनस एच। सन्मारी की बात। और अगर ये h इतना छोटा है जितना छोटा जीरो होता है, अगर h जीरो के बराबर है लगभग, जीरो नहीं है, जीरो के लगभग बराबर, जीरो से थोड़ा सा छोटा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है और इधर की तरफ से जा रहा है जीरो की तरफ, अब ये बताओ जीरो के आसपास से तो एच धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? हमेशा एच को धनात्मक लें, क्योंकि एच जीरो की तरफ अगर इधर से जाएगा तो ऋणात्मक होगा, और एच जीरो से इधर से जाएगा जीरो की तरफ तो एच धनात्मक होगा। तो याद रखो एच हमेशा इधर से जीरो की तरफ जाता है, यानी एच टेंस टू जीरो एच हमेशा धनात्मक संख्या है, और ए में से एच घटाओगे थोड़ा इधर आ गए और ए में से एच जोड़ा थोड़ा इधर आ गए, और हमने ए में से एच घटा कर एच को जीरो ले लिया तो एफ ए तो आ जाएगा। और अगर आर एच एल करें ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, वो आपका निकल आएगा लिमिट एक्स टेंस टू से लिखते हैं ए प्लस एफ एक्स, और इसको भी परिभाषित करते हैं, वो ऐसे परिभाषित करते हैं लिमिट एच प्लस, मतलब ए से थोड़ा सा आगे, कितना आगे, जितना जीरो होता और जितना आगे गए उसे जीरो रख दिया, फिर से वही पहुंच गया। अगर ऐसी स्थिति आती है कि आप थोड़ा पीछे गए और उस कितना पीछे गए, एच पीछे गए, एच कितना है जीरो है, और एच को जीरो रखोगे तो फिर वही आ जाओगे, उससे थोड़ा आगे गए एच जीरो है, जीरो रखा फिर वही आ गए, और ये दोनों अगर बराबर आते हैं एल एच एल और आर एच ठीक है, यानी थोड़ा पीछे जाने पर जीरो रख लिया, थोड़ा आगे जाने पे जीरो रख लिया, और ये दोनों बराबर अगर आ जाते हैं तो वो कहलाती है कि फलन की सीमा, यानी लिमिट ऑफ ए फंक्शन।
और वो जो मान निकल के आता है दोनों का, इसका मान भी मान लीजिए निकल के आया एल और इसका मान भी निकल के आया एल, ठीक है। तो एल जो है वो फलन एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर सीमा था, ठीक है। तो जब भी सीमा ज्ञात करनी होगी हमें, तो फलन अगर सीधा सीधा नहीं है, उसमें एक्स के मान का वेरिएशन दे रखा है कि एक्स जीरो से बड़ा है तो ये, और एक्स पाँच से छोटा है तो ये, या चार से बड़ा है तो ये, तो उस स्थिति में हम x बराबर एक बार एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे, तब कहेंगे कि साहब फलन की सीमा संभव है, वरना सीमा संभव नहीं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आ जाता है। अगर आप मान लीजिए ये वक्र है, यहाँ पे कोई मान नहीं आ रहा, इस बिंदु के इधर कोई मान आ रहा है और इस बिंदु के इधर कोई मान आ रहा है, मतलब एल एच एल भी है और आर एच एल भी है, लेकिन वो मान उसके बराबर नहीं है कि सीधे सीधे एफ ए के बराबर हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में फलन का जो मान है वो एक मान ऐसा हो जाएगा जिसमें फलन का मान संभव नहीं होगा, यानी वक्र स्मूथ नहीं होगा, वक्र सतत नहीं। सतत की इंग्लिश होती है कॉन्टिन्यूअस, यानी अगर किसी एक्स के मान पर फलन की सीमा संभव है तो ये जरूरी नहीं है वो सीमा किसके बराबर है, सीधे सीधे ए रख के वो माना जाए, ठीक है। ऐसी स्थिति में फलन की सीमा तो संभव होगी लेकिन फलन सतत नहीं होगा। फलन सतत कब होगा? जब एल एच एल आर एच एल दोनों निकालने के बाद वो सीधे सीधे एक्स का मान ए रखने के बाद जो आता है ये तीनों आपस में बराबर, यानी वही फंक्शन सतत हो सकते हैं पहली बार, जिस फंक्शन के लिए x के किसी मान पर सीमा संभव है। सीमा संभव होने से यह आवश्यक नहीं है कि फलन आपका सतत है। बात समझ आ रही है भाई? पहली बात तो अगर ये दोनों बराबर नहीं आए बात ही खत्म हो गई, एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है बात ही खत्म नहीं हो गई, कोई विचार ही नहीं करना। लेकिन एल एच एल आर एच एल के बराबर आ गया और वो इस मान के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है सतत नहीं। ये मैं ग्राफिकली भी समझा रहा हूँ, अब रटने वाली बात है कि x बराबर x बराबर a पर फलन fx सतत होगा कब होगा? यदि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये तीनों अगर बराबर हैं तभी फलन सतत। ये दो बराबर हैं और ये इसके बराबर नहीं आ रहा, फलन सतत नहीं है लेकिन सीमा संभव है। और जो फलन सतत हो जाएगा ये तीनों बराबर होंगे उसकी सीमा संभव हो जाएगी, यानी जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं सतत होते हैं उनकी सीमा ज्ञात करने की चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, मालूम है कि उनकी सीमा है, लेकिन जिन फलन की सीमा है उनके लिए आवश्यक नहीं है कि फलन कौन। ये बात समझ में आ रही है? यानी एल एच एल को क्या कहते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए, या हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू ए एफ। ये है किसी भी फलन के सतत होने की। अब दो तरह से सवाल आते हैं, एक तरीका है कि भैया फलन चेक कर दो सतत है या नहीं, एल एच एल निकालो आर एच एल निकालो वैल्यू निकालो बराबर आ गया सतत है बराबर नहीं आया सतत। और एक है उसने कह दिया साहब फलन सतत है और उसमें ए और बी डाल दी, ए और बी के मान आप निकालिए तो कैसे निकालोगे? तो फिर आपको ये स्थिति यूज करनी पड़ेगी, इसमें इसे से बराबर रखोगे एक समीकरण, इसे से बराबर रखोगे दो समीकरण, उन्हें ये तो सब काम आप लोग शायद कर चुके हो। अब हम बात करते हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की एक्स बराबर जीरो पर सतत्ता की जांच। ये है
दूसरा सवाल है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो सुना होगा कि एक्स बराबर एक पर सत्ता की जांच करो और तीसरा सवाल है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की एक्स बराबर 0.5 पर सत्ता क्या? एक होता है सिग्नम फंक्शन नाम सुना है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स की एक्स बराबर एक पर एक्स बराबर जीरो ये सवाल आप कर लेंगे करेंगे सवाल आप नहीं करेंगे और डिफरेंशिएशन कैसे पूरा कर लिया आपने सबसे ज़्यादा आईआईटी या किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से फंसता है पूरी डिफरेंशिएशन पढ़ा लो आप और ये नहीं आता आपको आप कंपटीशन में पूरी तरह फेल हो जाए एक क्वेश्चन नहीं हिलना आपसे नोट करो कर लो नोट करो